I start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello listeners and dear students, I hope you are enjoying good health. Today's topic is vowel sound and today we are going to start short vowel अच्छा इसको schwa sound भी कहते हैं. You are watching my channel Learn English with Kamar, please subscribe my channel. It's vowel sounds. So it's a chart of vowel sound. This part is front. ये जबान का एक हिस्सा है, पूरी जबान का एक चार्ट बनाया हुआ है. ये सेंट्रल पार्ट है और ये बैक पार्ट. आज जो हम साउंड पढ़ने वाले हैं जा रहे हैं वो सेंट्रल पढ़ रहे हैं, जैसे द अ साउंड. जी ये वाला जो साउंड आपको नजर आ रहा होगा, ये सिंबल उल्टा ई, इसको श्वा साउंड भी कहते हैं. और मेरे देखने में अगर आपको ये सिर्फ एक साउंड आ जाए तो 50% आपकी जो इंग्लिश प्रोनंसिएशन है दैट कुड बी इम्प्रूव्ड. सो यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन बाय लर्निंग ओनली वन साउंड, वन वॉल साउंड. सो लुक एट दिस लिप्स पोजिशन. अ लाइक अ जो पिछला साउंड हमने पढ़ा था हार्ट साउंड, ये बिल्कुल उसी के करीब है, क्योंकि ये भी मिडल है, वो भी मिडल साउंड था. तो ये प्रोड्यूस होता है मिडल ऑफ द टंग. ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये किस तरह और कहाँ किस जगह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर फ्रंट से लिप्स की पोजीशन देखें तो ये देखिए अ. जॉ इज हाफ ओपन रिलैक्स्ड, टंग एंड लिप्स. मिडल ऑफ द टंग इज हाफ वे अप. जो मिडल ऑफ द टंग है वो हाफ वे अप होगी, ये आप पिक्चर में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. अ अच्छा ये साउंड बार बार आता है, स्टार्ट में आता है, एंड में आता है, मिड में आता है, और एक से ज्यादा बार भी आ जाता है. So that's why this sound is very very important. A and a. So you can imagine, you can see my lips position. Okay. The first syllable is unstressed. So यहाँ पे जब भी a sound produce होना है ये अब start में है और वो unstressed है, उस पर stress नहीं देना, उसको लंबा नहीं करना. Away, away. देखें अब मैंने बिल्कुल स्लाइडली से पढ़ा, अब वही पे स्ट्रेस है अवे. ये जब मैं आपको वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस पढ़ाऊंगा उसमें भी ये बता देंगे कि पहले लेटर पर किस तरह स्ट्रेस होता है और किस तरह अनस्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं. अवे, अग्री. बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट इसको अग्री अग्री पढ़ते हैं, अग्री पढ़ते हैं. सो द वर्ड इज अग्री. अ को अलग पढ़ना है और ग्री को अलग. अग्री. अब्यूज, अबोट, अगेंस्ट, एडवाइस, अटेन, एडवांस. खनाल, खनाल, कैनाल नहीं पढ़ना, खनाल. करेक्ट, करेक्ट नहीं पढ़ना. पुलिस, पुलिस इज रॉन्ग. सपोर्ट इज रॉन्ग, सपोर्ट, सपोर्ट. ओके, द सेकेंड सिलेबल इज अनस्ट्रेस. डॉक्टर, यहाँ पे देखें एंड जो ओ आ रहा है वो अ साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये भी एक रूल है, एंडिंग ई आर जो है वो हमेशा शोआ साउंड देगा. अंडर, आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. फिगर, आर को प्रोनाउंस करेंगे लेकिन यहाँ पे शोआ साउंड. खल, अब्सेंट, अब्सेंट, अब्सेंट नहीं पढ़ना. कांस्टेंट, कांस्टेंट. स्टैंडर्ड, ओरल. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड. ये देखें यहाँ पे कंसोनेंट साउंड फिर बता दूं, लेकिन पहले भी आपको कंसोनेंट लेसन में बताया था. फ ऊपर वाले जो टीथ हैं वो नीचे वाले लिप्स को लग रहे हैं, और उसके फौरन बाद जो व साउंड आ रहा है, फ और व, तो ये लिप्स को मिलाना है. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड. अपवर्ड, ऑकवर्ड. इन दिस वे शोआ साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, look at the examples in examples. What are you doing in London? We are looking for a hairdresser. It is made of glass. No, it's made of plastic. What can I do? What has she done? What have you done? अच्छा ये अब have को अब पढ़ते हैं, ये contraction में. तो इसलिए सबसे पहले साउंड पढ़ा रहा हूँ कि अब जो कंट्रैक्शन भी पढ़ानी है तो उसके लिए आपको श्वा साउंड का पता हो, फिर आपको कंट्रैक्शन समझ आएगी. ओके, शी हैड डन इट बिफोर शी केम हियर. शी हैड, अब हैड नहीं पढ़ना, हैड.
इसको लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। बट स्पीकिंग में हर्ट बोर्ड पढ़ते हैं, लिखने में हैट। अमेंडा फोन कॉल फॉर यू। द कंडक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा वॉज अमेज्ड टू सी द वायला प्लेयर ड्रिंक अ स्कॉच एंड सोडा। टेल मी सिस्टर अमेंडा टू बाय सम बेटर बनानास एज वेल एज पोटैटोस एंड टमाटोस। इसकी मजीद कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अच्छा, ये इन सेंटेंसेस को आपने देखना, ये ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेस्ड पोजिशन एंड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड पोजिशन। सेम साउंड है, यहाँ पर जो प्रोनाउंस्ड होगा वो अ साउंड होगा और यहाँ पे जो प्रोनाउंस होगा वो ए साउंड होगा। इसके बाद हम ए साउंड भी पढ़ेंगे। वट आर यू लुकिंग एट। अब यहाँ पे एट जो है वो ए साउंड दे रहा है। लुक एट हिम, यहाँ पे एट नहीं पढ़ेंगे, लुक एट नहीं पढ़ेंगे, ये श्वा की प्रोनाउंसिएशन देगा। लुक एट हिम। व्हाट इज मेड ऑफ, अब यहाँ पे देखें ओ साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें इट्स मेड ऑफ कॉटन, यहाँ पे श्वा की साउंड देगा। वेयर डू यू कम फ्रॉम, यहाँ पे ओ साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे देखें आई कम फ्रॉम पेरिस, अब इसको फ्रॉम पढ़ेंगे, यहाँ पे श्वा साउंड है। हु इज इट फॉर, यहाँ पे ओ साउंड दे रहा है, ये हमने लॉन्ग वॉल पढ़ा। इट्स फॉर यू, यहाँ पे फ पढ़ें, इट्स फॉर यू। वुडंट यू अग्री, अब यहाँ पे ओ और यू उ साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इट वर्ड पढ़ेंगे, इट वर्ड साइज यस, इट वर्ड साइज यस। तो जब कंट्रैक्शन में पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, तो इस तरह श्वा का इस्तेमाल ज्यादा होता है। वर नॉट यू देयर, वर नॉट यू देयर, अब यहाँ पे लॉन्ग वॉल है, लेकिन यहाँ पर वी वर एब्सेंट, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में श्वा यूज होगा। वाजंट ही देयर, यहाँ पे ओ साउंड, वाजंट ही देयर, यस ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म। सो नाजरीन, श्वा पे मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा जो कंप्लीट मजीद इसके बारे में बताएंगे कि श्वा फॉर्म जो बोलने में है, जो श्वा साउंड है, वॉवल साउंड है, बोलने में हमारा किस तरह मदद कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।